हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएसएफ हेड कांस्टेबल 2022 के रिटन एग्ज़ाम और टाइपिंग डेट के बारे में। जैसा कि आपको मैं प्रीवियस वीडियो एक बनाया था जिसमें आपको बताया था कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम आप सभी का जो डायरेक्ट वाले कैंडिडेट है उसका 27 नवम्बर से स्टार्ट होने वाला है। 27 नवम्बर से स्टार्ट है और जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनका 6 तारीख का डेट दिया था। एक शॉर्ट पीडीएफ एक वायरल हुआ था जिसमें कटिंग वायरल हुआ था तो आपको बताया था। तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा लिस्ट आया है जो बीएसएफ के तरफ से, वो आपको ऑफिशियल साइट पे देखने को अभी नहीं मिलेगा क्योंकि अभी उस टाइम के बाद आपको देखने को मिलेगा जब एडमिट कराएगा उस समय। पर यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा प्रूफ के संग कि आपका रिटन एग्ज़ाम और टाइपिंग डेट दोनों ही डिक्लेयर हो चुका है बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए। तो चलिए आपको प्रूफ दिखा देता हूँ पूरा, डेट कब कौन सा डेट में आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नोटिस है, एक नोटिस है जो कि वायरल हो चुका है। यहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा इस ग्रीन कलर के सर्कल के नीचे 6 नंबर पॉइंट में, इसमें लिखा हुआ है कि रिटन एग्ज़ाम ASI और स्टेनो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल डायरेक्ट एंट्री। जो कैंडिडेट डायरेक्ट एंट्री यानी जो फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई किए थे ASI स्टेनो या हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में, उन सब कैंडिडेट का एग्ज़ाम 27 नवंबर को ही होने वाला है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है 27/11/2022। और कितना टाइमिंग दिया है, जैसे 10 बजे से लेकर 11:40 तक एग्ज़ाम होगा क्योंकि ये एग्ज़ाम आपका 1 घंटा 40 मिनट का पेपर रहने वाला है पहला एग्ज़ाम, और दूसरा होगा 3 बजे से लेकर 4:40 तक होगा आपका ASI स्टेनो के लिए, यानी हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल उसका पेपर होगा आपका 10 बजे से लेकर 11:40 तक, और आपका 3 बजे से लेकर 15 से लेकर 16:40 जो लिखा है 1500 से, ये है आपका ASI स्टेनो यानी 3 बजे से लेकर 4:40 तक, यानी 1 घंटा 40 मिनट का पेपर दोनों के लिए ही रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम का डेट पता चल गया। अब बात है यहाँ पे कि आपका टाइपिंग टेस्ट कब होगा। तो आपका जो रिटन एग्ज़ाम है वो फेज़ 1 में होने वाला है। इस 14 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं फेज़ 2 के लिए बोला है कि फेज़ 2 सेकेंड फेज इवेंट दैट इज़ फिजिकल मेजरमेंट शॉर्ट हैंड टेस्ट फॉर ASI स्टेनो टाइपिंग टेस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल या डॉक्यूमेंटेशन री मेडिकल फॉर ASI। तो यहाँ पे एक डेट दिया गया है जो कि आपका है 20/2/2023 और 17/3/2022। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है वो आपको मैं समझा देता हूँ, फ्रॉम से लेकर इतना से इतना। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि बोला है कि फ्रॉम टू यानी इस तारीख से स्टार्ट होगा और आप सभी का एग्ज़ाम। और एक और बात, जो रिटन एग्ज़ाम है डायरेक्ट एंट्री का वो एक ही डेट में होगा 27 नवंबर का, पर जो टाइपिंग टेस्ट फिजिकल वगैरह जो होने वाला है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल सेकेंड फेज़ के लिए, सेकेंड फेज़ में क्या क्या है वो आपको बता देता हूँ। जैसे सेकेंड फेज़ में आपका फिजिकल रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा जिसमें टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट आपको मांगा गया है, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट। फॉर ASI स्टेनो टाइपिंग टेस्ट के लिए अलग से शॉर्ट हैंड है, और कांस्टेबल हेड कांस्टेबल में है उसमें अलग से है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन भी होगा, डिटेल मेडिकल रिव्यू मेडिकल सब कुछ आपका होगा। कौन सा डेट के बीच में, 20 तारीख से लेकर 17 तारीख यानी फरवरी में 20 तारीख से लेकर 17/3/2023 के बीच में आपका चलने वाला है। ऐसा नहीं कि एक ही डेट में एक कैंडिडेट का हो जाएगा, ऐसा होगा कि एक दिन फिजिकल हो गया तो उन कैंडिडेट का नेक्स्ट आपका 1-2 दिन के बाद आपका इस गैप में यानी करीबन 1 महीने तक आपका फिजिकल और टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन री मेडिकल मेडिकल वगैरह चलने वाला है। इस डेट के अंदर में कोई डेट में भी आपका हो सकता है अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हैं तो। क्या लिखा है, डायरेक्ट एंट्री, ये डायरेक्ट एंट्री वालों के लिए रखा गया है, ठीक है। जो आपका डिपार्टमेंटल है उसका इसमें कुछ जिक्र नहीं किया गया है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंटल वाला, जैसे LDCE के लिए थ्रू जो किया है उसका अलग से डेट है, स्टेनो हेड कांस्टेबल में LDCE रिटर्न एग्ज़ाम वो 6/11/2022 जो पहले आपको बताया था, 6/11 यानी 6 नवंबर का रिटर्न एग्ज़ाम है। और उनका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट वगैरह है वो अलग से दिया है जो आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर लिखा है मेजरमेंट टेस्ट
फॉर द शॉर्ट हैंड फॉर डॉक्यूमेंटेशन रिटेन, शायद ये डेट दिया गया है LDCE के लिए। देखिए LDCE लिखा हुआ है उनका है 9/1/2023 से लेकर 11/2/2023, यानी कन्फर्म डेट हो चुका है कि आपका जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उनका रिटर्न एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में यानी इसी महीना नवंबर, आज है 1/6 को है आपका रिटर्न एग्ज़ाम। ASI स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल LDCE के थ्रू है उनका 6/11/2022 को इसी महीना में एग्ज़ाम है, और उनका फिजिकल मेडिकल टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन डिटेल मेडिकल वगैरह है वो 9/1 यानी जनवरी में 9/2023 से लेकर 11/2023 तक चलने वाला है। बाकी जो हम लोगों का जो है डायरेक्ट एंट्री उनका आपका 27 का रिटर्न एग्ज़ाम है, और आपका यहाँ इस डेट से इस डेट के बीच में आपका फिजिकल रिटर्न एग्ज़ाम टाइपिंग टेस्ट डिटेल मेडिकल एग्ज़ाम सब कुछ चलने वाला है डॉक्यूमेंटेशन। तो साफ साफ डिक्लेयर हो गया कि आपका रिटर्न एग्ज़ाम और टाइपिंग टेस्ट डॉक्यूमेंटेशन सबका डेट डिक्लेयर हो चुका है, तो आप लोग अब इसी महीने में 27 को रिटर्न एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन था, आई होप कि आपको पूरा समझ में आया कि क्या इन्फॉर्मेशन है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद देखने के लिए।